हे गाइस वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सभी यार, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपको साउथ की 8 बेहतरीन मूवीज के बारे में बताऊंगा जो आपके एक्साइटमेंट लेवल को डबल नहीं ट्रिपल कर देंगी। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8 पर हमने रखा है साल 2022 की मूवी जनगणना मना को। मूवी बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एक्टिविटीज पर, जिसमें आपको पृथ्वी सुकुमारन और ममता मोहनदास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगी। दोस्तों कहानी है, एक बहुत ही जाने माने प्रोफेसर की मौत हो जाती है और मौत की असली वजह जानने, मतलब ये आत्महत्या है या एक मर्डर, एक पुलिस वाला जाँच पर लगता है। पर जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ती है वो पुलिस वाला मुसीबत में पड़ने लग जाता है। ऐसा दोस्तों उस पुलिस वाले के साथ क्या होता है और वो इन मुश्किलों से कैसे सामना करता है, यही सब आपको मूवी में दिखाया गया है। मूवी अच्छी है, मिस कर चुके हो तो एक बार जरूर देखना। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.3/10। नंबर 7 पर आती है साल 2023 की क्राइम थ्रिलर मूवी बाकासुरन, जिसमें आपको सेल्वा राघवन और स्थराक्षी जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों कहानी की बात करें तो एक आदमी जवान एक्सकॉर्ट्स के साइबर हरेसमेंट और सुसाइड्स के मामले की छानबीन करता है और सभी माता पिता को अपने बच्चों के लिए जागरूक रहने के महत्व को समझाता है। पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसके साथ जो कुछ होता है ये देखना काफी मजेदार रहेगा। तो लिंक भाई लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चेकआउट जरूर कर सकते हैं। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2/10। नंबर 6 पर आती है साल 2020 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी द्रौपदी, दोस्तों जिसमें आपको रिचर्ड ऋषि और सौंदर्य जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी की बात करें तो रुद्रा नाम के एक आदमी को अपनी पत्नी और अपनी बहन की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया जाता है, जिसमें उसे किसी की साजिश द्वारा फंसाया जाता है। जेल से बाहर आने पर रुद्रा अपनी पत्नी और अपनी बहन की हत्या और खुद पर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों आगे कहानी में जो होगा ना वो आपको देखना जरूर चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मूवी की IMDb रेटिंग है 3.8/10। नंबर 5 पर आती है साल 2021 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी रुद्रा थंडावर्म, जिसमें आपको रिचर्ड ऋषि और दर्पणा गुप्ता जैसे कलाकार देखने को मिलेंगी। कहानी है दोस्तों शहर में हो रहे भ्रष्टाचार की धमकी देने के बाद एक पुलिस ऑफिसर एक ड्रग माफिया की जांच कर रहा होता है, पर कुछ बड़े लोगों द्वारा उसे सारे देश में बदनाम कर दिया जाता है। तो वो पुलिस वाला खुद को इंसाफ दिलाने के लिए सबसे अकेला ही लड़ने के लिए निकल पड़ता है। वैसे में उसके साथ क्या क्या होगा ये आपको मूवी देखकर पता चलेगा। दोस्तों ये मूवी अभी YouTube पर अवेलेबल हुई है तो जल्दी से देख लेना और अगर लिंक रिमूव हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6/10। देख लता आया मेरे पहले पिस्तौल दी बोनी तेथों हुई साला का भैन चोत भाई यार गाल नहीं सी कटनी। नंबर 4 पर आती है साल 2021 की क्राइम थ्रिलर मूवी काका प्रधान, जिसमें आपको वड़ा गरीवाल और महावीर भुल्लर जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। मूवी की कहानी है दो लड़के एक छोटे से गांव से शहर में जाते हैं गुंडे बनने के लिए। जैसे जैसे वो लड़ाई झगड़ों में घुसते हैं वैसे वैसे उनकी मेहनत रंग लाती है और लोगों में उनका डर बनने लगता है। देखना होगा कि ये क्राइम्स उन्हें कहां तक ले जाएंगे। दोस्तों ये एक पंजाबी मूवी है, अगर आपको पंजाबी समझ आती है तो आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। ये मूवी है ही इतनी कमाल कि मैं खुद को इसे अपने काउंटडाउन में रखने से रोक ही नहीं पाया। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.3/10।
नंबर 3 पर है साल 2021 की क्राइम थ्रिलर मूवी नेत्रिकान, जिसमें आपको नयनतारा और अजमल अमीर जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। कहानी है एक लड़की जो अंधी होती है और पहले पुलिस ऑफिसर थी, जिसने शहर में हो रहे सीरियल अपहरण का खुलासा किया होता है, तो एक सीरियल किलर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तो वो लड़की जिसे कुछ दिखता तक नहीं, कैसे खुद को उस सीरियल किलर से बचाती है, ये सब मूवी में दिखाया गया है। मूवी अच्छी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिएगा। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9/10। नंबर 2 पर आती है साल 2022 की क्राइम थ्रिलर मूवी ठोलू मला, जिसमें आपको टोवीना थॉमस और कल्याणी प्रियदर्शन जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की बात करें तो वजीम एक गुस्से वाला लड़का है जो हर रोज किसी न किसी झगड़े में घुसा रहता है। कहानी में मोड़ तो तब आता है जब वसीम की शादी होती है, उसी दिन उसके दुश्मन उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों आगे मूवी में क्या क्या होता है ये आपको मूवी में देखना चाहिए। मूवी की IMDb रेटिंग है 7/10। और ओम के जो हॉट फोटोज है वो इंटरनेट पे ट्रेंड, इतनी कम उम्र में इतनी घिनौनी हरकत कर कैसे रहा है, लोगों पे ना एक्चुअली तरस आता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल जाती है। ये राज इंटरनेट पे दफना देते और हमें ब्लैकमेल करते। नंबर 1 पर आती है साल 2020 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी हैग्ड, जिसमें आपको हीमा खान और रोहन शाह जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगी। कहानी है समीरा नाम की लड़की अपने जन्मदिन वाले दिन अपने बॉयफ्रेंड से परेशान होती है और अपने पड़ोसी लड़के विवेक के साथ एक रात बिताती है। जब विवेक के प्यार को समीरा इनकार कर देती है तो विवेक समीरा की जिंदगी हैकिंग से बर्बाद कर देता है। तो देखना होगा कि ऐसी सिचुएशन में समीरा क्या करेगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 4.3/10। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको रोजाना ऐसी ही धमाकेदार मूवीज मिलती रहेंगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।